हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मौलादास किचन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं कितना भारी बरसात हो रहे हैं, आज पूरे दिन बरसात है। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बरसात है इसलिए सोचे कटहल के कुछ अच्छे से रेसिपी बनाएं। आज हम बनाएंगे चिली कटहल। इसके लिए कटहल को हम अच्छे तरह से काट लेंगे। काटने से पहले हम इसमें तेल लगा लेंगे हाथों में, और जो छुरी से काटेंगे उस छुरी में भी सरसों का तेल लगा लेंगे। ये एक किलो करीब है, लेकिन इसे अच्छे से काटेंगे तो ये हाफ हो जाएंगे, हाफ निकल जाता है इसका। चलिए इसे काट लेंगे। चिली कटहल के लिए एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे। काट के इसे नमक हल्दी डाल के इसे बॉयल कर लेंगे। हम इसे नहीं दिखाए इसलिए वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसलिए हमने बाद में वीडियो कंटिन्यू करेंगे। कटहल को हम बॉईल कर दिए हैं, देख सकते हैं पूरा नरम हो गए इस तरह से। इसमें हम तीन सीटी लगा के इसे बॉईल कर लिए हैं अच्छी तरह से। नमक हल्दी थोड़ा सा डाल के एकदम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैंने नमक हल्दी डाल के ऑलरेडी बॉईल किए इसलिए नमक मैंने नहीं डाले। आपको अगर लगे नमक डालना है तो आप नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाले कश्मीरी रेड चिली डाल सकते हैं, नॉर्मली चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे, यहाँ से हाफ से एक चम्मच करीब गरम मसाला डाल देंगे। और यहाँ पर एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसी तरह से अच्छे से हाथ की मदद से मैरिनेट कर लिए हमने। रिफाइंड ऑयल या राइस ब्रांड ऑयल, कोई भी ऑयल से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हो गए हैं, यहाँ पर गर्म हो गए हैं। इसी तरह से हम एक एक करके डाल देंगे, इस तरह से एक एक करके डाल के इसे हम अच्छे से एकदम डीप फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी करके। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर लेते हैं, नहीं करेंगे हम सारे फ्राई करके वापस आते हैं। यहाँ पर एक टुकड़ा अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, कुछ हरी मिर्ची, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे हम डाल देंगे इस तरह से एकदम छोटे छोटे इसका चॉपिंग कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे। चलो इसका चॉपिंग कर लेते हैं। कटहल हो गए हैं पूरा, इससे हम पूरा क्रिस्पी हो गए हैं। कटहल को पूरा छान लिए हैं हमने। अब यहाँ पर देखते हैं चॉपर में जो डाले थे इसे इस तरह से चॉपिंग कर लिए। ऑनियन भी इस तरह से हमने काट के रखे हैं। यहाँ पर करीब तीन बड़े बड़े ऑनियन हैं। और यहाँ पर एक चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में डाल के रखे हैं। उसी कढ़ाई में हम बड़े एक चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इसमें सारे डाल देंगे और थोड़े से फ्राई करेंगे। ये थोड़े से हो गए हैं फ्राई। अब इसमें हम ऑनियन डाल देंगे और ऑनियन को डाल के भी थोड़े से फ्राई करेंगे। प्याज भी थोड़े से फ्राई होते हैं और इसमें हम डालेंगे और आप चाहे तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। हमारा फैमिली में पसंद नहीं करते कैप्सिकम, इसीलिए हमने कैप्सिकम यूज़ नहीं किया। यहाँ पर एक चम्मच डार्क सोया सॉस, एक चम्मच करीब भूनी जाए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे सॉस, डाल देंगे रेड चिली सॉस और टमाटर सॉस। टमाटर अच्छी सॉस को सभी सरसों को अच्छे से मिलाने के बाद अब कॉर्नफ्लोर मिक्स किए हुए पानी में इसे हम डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़े से पानी ऐड कर देंगे हाफ कप, और पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से उबाल आने तक इसे मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से। सॉस और सॉस रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम फ्राई कटहल इस तरह से हम डाल देंगे और सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। बस रेडी हो गए हैं। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी चीज़ में भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब मेरे चैनल का सब्सक्राइब